काजोल की बहन तनिष्का मुखर्जी ने उठाया बड़े राज से पर्दा। आखिर क्यों उनका वजन अचानक बढ़ गया था? आखिर क्यों तनिष्का ने अनमैरिड रहते हुए भी अपने एग्स फ्रीज करवा दिए? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण चौधरी और आप देख रहे हैं एलिस बर्ज न्यूज़ विद हर। टेलीविज़न और बॉलीवुड में अब तक कई स्टार्स अपने एग्स फ्रीज करवाने की बात कर चुके हैं। टीवी की फेमस डायरेक्टर हो या एक्टर या प्रोड्यूसर, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने ये स्टेप अब तक ले लिया है। एकता कपूर से लेकर मोना सिंह और राखी सावंत तक कई सेलिब्रिटीज़ अपने एग्स फ्रीज करवा चुके हैं। इन सब के बाद अब एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही तनिष्का मुखर्जी ने भी खुलासा किया है कि वह 39 साल की उम्र में ही अपने एक्स फ्रीज करवा चुकी है। तनिष्का मुखर्जी ने ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं 33 साल की उम्र में ही अपने एक्स फ्रीज करवाना चाहती थी, पर उस समय डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि इससे तनिष्का की बॉडी पर बैड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। डॉक्टर ने सजेशन दिया कि मुझे ऐसा तब करना चाहिए जब बच्चा कंसीव करने का कोई चांस ना हो। इससे आगे बढ़ते हुए तनिष्का ने बताया कि एक लेडी की लाइफ की सबसे बड़ी चाह सिर्फ बच्चे का होना ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं, और ना ही ये ज़रूरी है कि हर औरत बच्चा पैदा करे या हर औरत की शादी हो। तनिष्का के अनुसार ये भी ज़रूरी नहीं कि हर एक औरत कोई रिलेशन में हो, और अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए उसको अपनी लाइफ में एक आदमी की ज़रूरत हो। अगर बात करें तनिष्का के करियर की तो वो लगभग फ्लॉप ही रहा है। उन्होंने सिर्फ 9 फिल्में की है। काजोल की तरह वो इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बन पाई। फिल्मों के साथ साथ वे कोई टीवी शोज़ का भी पार्ट रही हैं। तनिष्का ने बिग बॉस 7 में पार्टिसिपेट किया था। उस दौरान तनिष्का और अरमान कोहली के साथ अपने अफेयर को लेकर वो काफ़ी चर्चा में रही थी, परंतु तनिष्का के घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की। हालांकि इन दोनों का रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला और दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। आप सबकी तनिष्का के एक्स फ्रीज करवाने के फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।